हम महंगाई पे चुनाव लड़ेंगे, महंगाई मुख्य मुद्दा हमारा है, असली मुद्दा हमारा केवल महंगाई है। और जानवर आवारा पशु उससे लोग पीड़ित हो चुके हैं, वो हमारा मुख्य मुद्दा है। और उसके पहले उसके 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 पहले हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर साहब नहीं थे, उसके पहले हमारे साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए में भी यही मुद्दा था, 8 की 8 सीटें वो ये नहीं कोई ऐसे। देखिए 2022 का जो चुनाव करेंगे, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, हमारे नेता को नोटिस भी जारी की गई प्रशासनिक मदद से, या योगी की सरकार जो दूसरी बार रिपीट हुई है, हर विधानसभा में और हर ग्रुप कर लीजिए मुसलमान और यादव को, और विशेष करके जो सपा के वोटर थे टारगेट करके, जो ये पन्ना प्रमुख जो बनाए हैं ना उसके माध्यम से टारगेट करके जो है, और इन लोगों ने हर बूथ पर 50 वोट 60 वोट 70 वोट, यानी एक विधानसभा में 15 से लेकर 25 हजार वोट कटवाने का काम किए। तो यह जो योगी पार्ट टू की सरकार है, या प्रशासनिक मदद से सपा के वोटरों का नाम जो है मतदाता सूची से डिलीट करा करके, नवंबर में सूची प्रकाशित हुई आम जनता के देखने के लिए, उसमें जिनका नाम था जनवरी का जब अंतिम प्रकाशन हुआ तो उस पर डिलीट की मुहर लगा दी गई थी। और मैंने तो बड़े बारीक से एक खोजी पत्रकार की हैसियत से भी मैंने इसका अध्ययन किया, तो यह साफ तौर पर उस समय मैंने कहा था कि यह प्रशासनिक मदद की सरकार है, न कि जनमत की सरकार है। और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब इस तरह का बयान दिया तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से नोटिस जारी की गई कि आपने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाया। तब हम लोगों ने एफिडेविट दे करके 50,000 से अधिक एफिडेविट हम लोगों ने दे करके निर्वाचन आयोग के मुंह बंद करने का काम किया। तो ये जो जनता है, देखिए वोट शेयर कब किसका किधर पलट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी 15% वोट शेयर था 2012 में, उछाल मारी 41 तक चली गई। तो यह जनता है कि कब इनका दिल दिमाग दुरुस्त हो जाए। अब जनता जो छात्र नौजवान ही बदलाव करते हैं, ये कहे हैं ना कि 6 महीना के बाद हम कराएंगे, क्या गारंटी है? 6800 जो बेसिक शिक्षा के शिक्षक थे उनको विधानसभा चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र देने का ये वादा किए थे, वो बच्चे 600 दिन से ज्यादा हो गया इको गार्डन में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा के कार्यालय पर दो दो बार लाठीचार्ज की गई, संदीप सिंह जो शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री है उनके आवास पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, और एक हमारी बेटी को पेट में लात पुलिस वालों ने मारा, उसका गर्भपात हो गया। तो ये बताइए, जोगी जी तो अपने को संत महात्मा कहते हैं, और गोरखनाथ जी ने तो कहा था कोई अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत और महात्मा नहीं हो सकता। तो योगी आदित्यनाथ पर यह कहावत जो गोरखनाथ जी ने कहा था वह बात सच साबित होती है, योगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी और सामंतवादी है और अपराधियों के संरक्षण दाता है। जो आपके जो विधायक चले गए वो क्या है? मैं तो कहा ना कि आरएसएस के वो नीलवर्ण सिंगाल की तरह थे, समाजवाद का जो है कि फर्जी चोला ओढ़ करके, जो हमको तो मनोज पांडे पर पहले से आशंका था कि यह व्यक्ति आज तक तीसरी बार विधायक हुए हमारी पार्टी से, कभी न तो समाजवादी पार्टी का पट्टा डाले, न तो कभी टोपी लगाए, न तो कभी गमछा इस्तेमाल किए। तो मैं तो पहले भी बोलता था, मैं वो सपा में थे तब भी मैं बोला था कि अभी समाजवादी पार्टी में कुछ आरएसएस के लोग हैं और यही लोग मिल करके हम गलत फहमी पैदा करके मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाने का काम किया था और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटवाने का काम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो यही कहा कि यार समाजवादी पार्टी में कुछ आरएसएस के लोग हैं, थोड़ी पहचानने में हम लोगों को देरी हो गई। तो मैं तो पहले कहता था, ये मनोज पांडे के एक भाई अनुराग पांडे हैं वह भाजपा में है, एक भाई अमिताभ पांडे हैं वह जो है कि बसपा में है, उनकी भौजाई है चौथे भाई की दिवंगत हो गए हैं, उनकी पत्नी जो है कि बसपा में है, तो एक ही चूल्हा है, एक ही चूल्हे में खाना बनता है किचन में, और ये चारों भाई का परिवार चार दलों में है। तो ये लोग ने जनता हम लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम करते थे, उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है और जनता है कि सब कुछ जानती है, ये उचार से लड़ेंगे चुनाव, इनकी हैसियत पता लगा दिया जाएगा। अगर मनोज पांडे में तनिक भी चरित्र चिंतन है, ब्राह्मणत्व है, परशुराम के वंशज हैं और परशुराम जी का डीएनए है, तो इस्तीफा दे के चले उजाहार में, लौटन राम दावा करके जाता है इस हरदोई की धरती पर, अपने हिरण्यकश्यप पूर्वज की धरती पर, कि मनोज पांडे को अगर धूल न चटा दिया उसी उजाहार में, उनको पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव वो जीतते हैं। हाँ मैं देखिए मूल वो मूल निवासी रहे हैं, वो मूल निवासी यहाँ के रहे हैं, वो कोई राक्षस क्या होता है, रक्षति राक्षस जो जिसकी राक्षस संस्कृति है वो राक्षस होता है। असुर यहाँ का मूल निवासी है, ऐसा नहीं दो व्यवस्थाएं हैं, जैसे आज सवर्ण है असवर्ण है उसी तरह सुर असुर है, देव है दानव है। तो ये कोई
पीडीए का फार्मूला जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, पसमानदा है, अकलियत है, सारे लोगों को। और दूसरी बात वह है कि जो रमाशंकर कौशिक जी, जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, भगवती सिंह जी, कपिल देव सिंह जी और मोहन सिंह की विचारधारा पर चलते हुए ओबीसी एससी एसटी या गरीब दुखिया किसी भी जाति धर्म वर्ग समुदाय के, उनके मान सम्मान और अधिकार के लिए जो है खड़ा होता है, उन्हें संरक्षण देने का काम करता है, वो हमारे पीडीए काम का है। अच्छा, एक चीज और आ रही है, सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जी वो पास हो गया था जी, उसका नोटिफिकेशन जो है सरकार जारी करना चाह रही है जी, चुनाव से पहले जारी हो जाएगा जी, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी नहीं बंधु, आपका भी घर होगा ना, उसका रिकॉर्ड अभी मांगेंगे तो आप रिकॉर्ड अपना नहीं दे पाएंगे, क्यों? उस जमीन जिस पर मकान बना है आपका, उस पर आप 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 आपके पिताजी का, आपके दादा का, सवाल हमारा जी सवाल वही चीज है, सवाल जनता की तरफ से, मतलब जो है समाजवादी पार्टी का उस पर क्या स्टैंड? देखिए समाजवादी, हम तो वही कहते हैं कि इसके पीछे इनका राज है और विशेषकर हम लोग प्रभावित हो गए। हमारा घर बना हुआ, पता लगा वो भूमि राय साहब हैं, उनकी जमींदारी में बसा हुआ मेरा पूरा गाँव है, तो इस तरह करके तब तो हम लोगों को घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इनकी साजिश कुल मिला करके जो है ना, आरएसएस के लोगों का जो बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड जो नीति है गुरु गोलवलकर की, उसी नीति को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये निजीकरण जो सरकारी संस्थानों का है, ये करके जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं। गुरु गोलवलकर की किताब में बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि अगर देश में लंबे समय तक शासन करना है तो पूरे सरकारी संस्थानों, उपक्रम और अर्थव्यवस्था को चंद पुजपतियों के हाथों सौंप देना चाहिए और जनता को हिटलर का मुर्गा बना देना चाहिए। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, क्या 2014 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था क्या? सफ़ेद कार्ड और लाल कार्ड नहीं था क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो मनमोहन सिंह की पार्ट 2 की सरकार ने बनाया था, तो उसमें भी राशन मिलता था 2 रुपया, वैसे लोगों को 2 रुपया भी मिलता था, चीनी और घासलेट भी मिलता था। तो ये तो चीनी भी चट कर गए, मिट्टी का तेल भी चट गए, और 5 किलो राशन दे करके जो है ना, ये हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और किसान सम्मान पेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये चौकीदार बनते बनते देश को बेच डाले। और किसानों को जो है दिन में देख रहा हूँ कि महिलाएं हमारी लाठी डंडा लेकर के अन्ना पशुओं से खेत की रखवाली कर रहे हैं, और रात में लाइट और लाठी लेकर के हमारे परिवार के लोग जो है कि खेत से रखवाली कर रहे हैं। तो ये जनता है, 2024 में वही इनकी हैसियत होगी जो 2004 में 2009 में साइनिंग इंडिया का दिए थे ना वाजपेयी जी, नारा साइनिंग इंडिया का जो रहा ना, तो ये फर्जी जो है इन्वेस्टमेंट सेमिस्टर करा रहे हैं। लखनऊ 5 बार हुआ, आप बताइए कि एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश में लगा, एक भी योजना धरातल पर उतरी। और अभी पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जो है रहते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता कि एक भी उद्योग बताइए चली आई है। आपको किससे दिखाते हैं, क्या दिखाए? संडीला में बर्जर फैक्ट्री लगी, देखिए हम लोग प्रैक्टिकल बात जी है, बेवले की फैक्ट्री लगी, एक फैक्ट्री जो है आपके अखिलेश जी से पहले लगी थी, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। कौन भाजपा लगाई थी? भाजपा ने लगवाई थी, भाजपा के ही समय में। कौन सी? बर्जर पेंट, तो ये नहीं जितना पैसा जितना ये पैसा पानी की तरह बहवाए हैं ना, खाली इन्वेस्टर समिट के नाम पर अभी भी किए थे, G20 के नाम पर उसका भी यहाँ का एक भी लेबर नहीं है, यहाँ का एक भी आदमी वो जो है ये ऐसा जो है मुद्दा होता है प्राइवेट फैक्ट्री।